सहकारी बैंक की बरखेड़ा जागीर में जो सोसाइटी थी उसमें कार्यरत कर्मचारी जसवंत सिंह राजपूत की पिछले दिनों मौत हो गई थी। आज मंगलवार को जनसुनवाई में उनकी बेटियों और उनके परिवार के सदस्यों ने कलेक्टर को लिखित ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने अपने पिता की मौत के लिए जिला सहकारी बैंक के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया, साथ ही पिता के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति दिलाए जाने की मांग की। क्या नाम है भैया? मंजू राजपूत। कहाँ से आई हो? नीलगढ़ी। आज जिला मुख्यालय पहुंची जनसुनवाई में क्या मामला? मामला था कि हमारे पिताजी को ये एमडी ये प्रेम सिंह भटूरिया जो कि डीआर हैं और उसके बाद एमडी हैं विनय प्रकाश, इनको हम 2017 से लगातार इनसे कह रहे हैं कि हमारे पापा को ये समय पर वेतन नहीं दे रहे। 2017 से इनने 19 तक वेतन नहीं दिया। उसके बाद इनने हमने यहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ आए और हमने मंगलवार को 9 तारीख थी उस दिन जनसुन भाई बोला कि हमें वेतन नहीं दे रहे, तो इनने क्या निराकरण किया, अगले 14 तारीख को 18 तारीख को मंगलवार आया, उस दिन उनने सेवा समाप्ति का लेटर दे दिया। किसने? ये विनय प्रकाश ने, ये इनने निराकरण किया। उसके बाद हम गए कोर्ट केस लड़ने के लिए न्यायालय, वहां से हमें 2021 में हम जीत गए। फिर स्थगन के बाद फिर से हम आए, फिर खाद का चार्ज हमारे पापा को मिला। तो 3 साल 4 साल से वो कंटिन्यू खाद बेच रहे थे, कंटिन्यू खाद बेच रहा था। उसके बाद इस बार कोई गड़बड़ नहीं निकली, इन्हें कोई कहने का मौका नहीं मिला, कोई वजह ना होती हुई इन्हें बोला कि हम तुम्हें परमिट कट्टे नहीं दे रहे। ये प्रेम सिंह भटूरिया जो एमडी आ रहे हैं यहाँ पर, हमने इनसे बोला कि आप हमें परमिट कट्टे दिलवाओ, नहीं आप वजह बताओ क्या वजह है। जो कह कोई वजह नहीं है, हम तुम्हें नहीं देंगे, हम तो उसी का बाबू सिंह का ही फेवर करेंगे, कहे कि हम तो उसी के तो उससे ही पल रहे हैं, उससे ही पल रहे हैं। इनने नहीं, इनने उनको परमिट नहीं दिलवाया। हमने इनसे 100 बार बोला कि वो नहीं सहन कर पाएंगे, उन्हें बहुत बुरा लगता है, सबकी इज्जत ही होती है, सबकी इज्जत होती है। कलेक्टर साहब ने बोला कि हम निराकरण करेंगे, हाँ, लेकिन हमारे पिताजी कैसे आएंगे? अब इन लोगों ने ये पहले उनको अटैक शरद पूर्णिमा थी शाम को 4 बजे, उनके थोड़ा सा दर्द हुआ और उनको अटैक आ गया उसी दिन। हाँ, ये अभी शरद पूर्णिमा के दिन 1 महीना होने वाला है, 17 तारीख 1 महीना हो चुका है।